करेंगे लाइक शेयर और आज की क्लास में आपको मैं कराने वाली हूँ फिर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं सो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं ओके सो चलिए क्लास को करेंगे शुरू एंड देखते हैं आज के क्वेश्चन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं क्या क्वेश्चन आप लोग आज करने वाले हैं सो सेशन को लाइक like शेयर कर दो जल्दी से एंड पूरी क्लास को ज्वाइन करना अच्छे से एंड यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन आप लोगों के लिए हो रहा है ये यूपी टीजीटी पीजीटी प्लस आप लोगों के बिहार एस्टेट दोनों के लिए हो रहा है कल से आप लोगों को थमनेल पे दोनों चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी सो so, अपने माइंड में कन्फ्यूजन ना रखिएगा कि ये क्लास आखिर किसके लिए है आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा कि दोनों एग्जाम्स के लिए क्लास चल रही है एंड बहुत जल्दी हाल फिलहाल

चलिए अब आंसर लगाइए स्टूडेंट्स के आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है श्रिंकेज ट्रीटमेंट प्रायर टू स्टिचिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बताओ आंसर क्या होगा सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट्स कोई प्रैक्टिस सेट बता ओके okay, तो स्टूडेंट जैसे कि कल को आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन है है ना, so, कल के के लिए लिए मैं आप लोगों ऐसी दो क्लासेस देने वाली हूं कि अगर किसी को यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है हिंदी की किताबें अलग और इंग्लिश की किताबें अलग आपको मैं बताऊंगी ठीक है और इसके अलावा कल एक सेशन आप लोगों को मिलेगा कि वो कौन से प्रैक्टिस सेट हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं अपने टीजीटी पीजीटी या फिर और अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए सो so, ये सेशन आप लोगों को कल मिलेंगे जो कि मैंने आपके लिए स्पेशली सोचे हैं कि राखी के दिन आपको यही सेशन मिलेंगे तो कल के लिए वो रेडी रहिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं ओके okay, चलिए तो अब आंसर बताइएगा कि भाई अगर हमें सिलने से पहले कपड़े में श्रिंकेज ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ रहा है प्रायर हमें श्रिंकेज ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है तो फिर ये कौन सा कपड़ा हो सकता है ये कपड़ा कौन सा होता है कॉटन का कपड़ा है ना ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट जो कॉटन का कपड़ा होता है आपका ये वो कपड़ा होता है जिसमें एक प्रायर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है ओके okay, क्या होता है स्टूडेंट्स एक प्रायर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है यानी कि स्टिचिंग से पहले हम क्या करते हैं सिलाई से पहले हम कपड़े को प्रॉपरली वॉश करके श्रिंकेज ट्रीटमेंट देके जिससे वो सिकुड़े ना तब उसको स्टिच करते हैं ऐसा करने से क्या होता है क्योंकि कॉटन के कपड़े में श्रिंकेज की टेंडेंसी होती है वो सिकुड़ जाता है जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो फॉल लगाते हैं ना साड़ी पे उसको भी पहले धुल देते हैं और धुलने के बाद लगाते हैं जिससे कि वो जितनी भी सिकुड़नी होती है पहले ऐसी गुड़ जाए है ना इसके अलावा जब हम अपने सूट में अस्तर लगाते हैं या ब्लाउज में अस्तर लगाते हैं सो उसको भी पहले वॉश करके प्रेस करके तब यूज किया जाता है सो ऐसा नहीं है उसे सुंदर दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं नहीं उसकी कोई ना कोई पीछे लॉजिक है प्रॉपर्टी है और वो यही है कि उसमें श्रिंकेज की टेंडेंसी होती है दैट्स व्हाई हम ऐसा करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके सामने और बताइए आंसर क्या होगा सो so, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स टू स्ट्रिप द स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक टू कवर पैच पॉकेट एस आपको पता है ना कि जो पॉकेट होती हैं वो अलग-अलग तरह की होती हैं उन्हीं में एक पॉकेट होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं पैच पॉकेट के नाम से जानते हैं पैच पॉकेट वो होती है जिसको अलग से कपड़े के ऊपर कपड़ा कट करके लगाया जाता है मान लीजिए ये एक जीन्स है इस जीन्स में मैंने अलग से कपड़ा कट करके ये पॉकेट लगा दी तो ये क्या बन गया पैच बन गया क्यों क्योंकि ये वाला कपड़ा अलग है और ये वाला कपड़ा अलग है ये, है, ये ए है और ये दोनों क्या है कपड़े हैं मैंने एक कपड़े को जो कि ऑलरेडी कट हुआ हुआ है उसके ऊपर दूसरा कपड़ा कट करके मैंने क्या किया है पॉकेट बना के और उसके ऊपर लगा दी है चिपका दी है या मैंने सिल दी है तो ये मेरा क्या होगा इस पॉकेट को कवर करने के लिए यानी कि ढकने के लिए जो यहाँ पे फैब्रिक यूज होगा उसे किस नाम से जाना जाएगा जो फैब्रिक यूज होगा वो कुछ ऐसा होगा है ना और इसे किस नाम से जानेंगे इसको फ्लैप के नाम से जानेंगे क्योंकि ये पॉकेट अलग से कटी हुई लगी हुई है और ये यहाँ पे फ्लैप अलग से यहाँ स्टिच कर दिया जाता है यहाँ से ये यह ओपन रहता है सो मतलब ये ऐसे आपका स्टिच है पर यहां से ओपन है जिससे ये ओपन हो सके और क्लोज हो सके ओके चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन देखिएगा ए डार्ट लेफ्ट रिजल्टिंग इन इन स्ट्रेट देन फिटेड बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन कह रहा है एक डार्ट बिना सिले छोड़ दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप एक उपयुक्त परिधान के बजाय एक सीधे सिलहूट के रूप में जाना जाता है वो क्या कहलाता है पिन डार्ट टक डार्ट एंड रिलीज डार्ट बताइए आंसर क्या होगा पॉकेट कॉलर आस्तीन की एक क्लास ले लूं ओके जी ठीक है एक क्लास हम ले लेंगे इसकी सो so एक बार बताइए जल्दी से पिन डार्ट होंगे टक डार्ट डार्ट होंगे होंगे रिलीज या फिर नन ऑफ द अब क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर ये कौन से वाले डार्ट होते हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि उसमें उन्हें छोड़ दिया जा रहा है है ना हमने क्या कहा है कि हमने बिना सिले छोड़ दिया है तो जिन्हें हमने बिना सिले छोड़ दिया है वो कौन से होंगे बताओ जल्दी से क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे हम ये भी कह रहे हैं कि हमने उन्हें बिना सिले छोड़ दिया है तो अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पिन डार्ट वो होते हैं जो बहुत ही बारीक बारीक जो कि डार्ट होते हैं आपके वो बनाए जाते हैं ये पिन डार्ट हैं जो टक डार्ट होते हैं ये कौन से होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें आप क्या करते हो टक्स कैसे बनते हैं ऐसे बनते हैं चकोर फॉर्म में टक्स कैसे बनते हैं आपके डायमंड फॉर्म में भी बनते हैं है ना जिसमें आपकी जो डायमंड जैसी रचना है इस तरह की ये बनती जाती है ऐसे वाले भी बनते हैं ठीक है ना बट यहाँ पे ना तो आपका ये आंसर होगा ना तो ये होगा क्योंकि हम कह रहे हैं बिना सिले छोड़ दिया जाता है ये रिलीज डार्ट होते हैं और ये पता है कैसे बनाए जाते हैं जैसे मान लीजिएगा ये एक टॉप है ठीक है ये क्या है स्टूडेंट एक टॉप है और इस टॉप में मैंने यहाँ तो डार्ट लगा दिए हैं इस वाले हिस्से पे पर मैंने ये डार्ट को सिर्फ आधे हिस्से में रखा है और नीचे से कपड़ा ऐसे फ्रॉक की शेप में खुला हुआ है तो ये क्या कहलाएगा रिलीज डार्ट कहलाएगा क्योंकि हमने ऊपर ऊपर तो सिलाई करी है डार्ट की नीचे हमने ओपन स्पेस रखा है जैसे कि आजकल टॉप वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है सो तो ये आपके क्या कहलाते हैं रिलीज डार्ट कहलाते हैं क्लास के लास्ट में मैं आपको इसका फोटोग्राफ दिखा दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इज अ पॉपुलर ब्रांड नेम फॉर टू सेपरेट टेप्स इंटरलॉक टू क्रिएट क्लोजर दो अलग टेप का एक अलग ब्रांड नेम है जो एक साथ दबाए जाने पर इंटरलॉक होके बांध होता है सो बताइए स्टूडेंट आंसर यहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पे एक की वर्ड है आपके लिए दो अलग अलग सेपरेट टेप होते हैं और इनसे कोई चीज बंद हो जाती है है ना तो फिर से मैं दोबारा बोल रही हूँ कि दो सेपरेट टेप है और जिनसे क्या हो जाता है कोई भी चीज आपकी बंद हो जाती है इन्हें दबाने से आपस में चिपक जाते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है तो बताओ आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा जब दो अलग-अलग चीजें हैं और दो टेप के समान है और हम उनको क्या करते हैं चिपका देते हैं और चिपक जाती हैं आपस में तो बंद कर देती हैं किसी भी चीज को वो क्या कहलाता है वेलक्रो कहलाता है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि वेलक्रो एक तरीके का फास्टनर होता है और फास्टनर कौन होते हैं जो कपड़े को पहनने और कपड़े को उतारने में मदद करते हैं सो so, फास्टनर्स आपके बटन हो सकते हैं चटकनी हो सकती है चेन हो सकती है हुक हो सकता है है ना ये सब डोरी हो सकती है सो so, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं फास्टनर होते हैं जिनसे कपड़े को पहनने और उतारने में हमें मदद मिलती है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा फॉर वट पर्पज बास्टिंग स्टिचेस आर यूज इन स्विंग बताइए आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन है किस प्रयोजन के लिए सिलाई में कच्ची सिलाई टाके का उपयोग किया जाता है आप कच्ची सिलाई का यूज कर रहे हो तो क्यों करते हो यह आपको बताना है आपके सामने ऑप्शन है बुने हुए कपड़ों के लिए ऐसा करते हो या फिर कपड़े को गैदर करने के लिए करते हो इकट्ठा करने के लिए फॉर स्ट्रेचिंग द फैब्रिक प्रोड्यूसिंग होगा हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स अपने सिलाई को, जिसको चाहे फ्रॉक का घेर बना रहे हो है ना चाहे हम ऐसा कुछ कर रहे हो कि अपने मान लीजिए जो लोग पेटीकोट में नीचे एक वो फ्रिल लगाते थे पहले के टाइम में ये सारा काम कर रहे हो है ना किसी भी चीज में अगर हमें कोई डेकोरेटिव इफेक्ट क्रिएट करना है और उसके लिए हमें गैदर डालनी है चुन्नटे डालनी है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है हमें कि उसे इकट्ठा करके कच्चा टाका लगा दें जिससे कि उसके बाद वो थोड़ी सी होल्ड हो जाए अपनी शेप में और फिर उसको मशीन से पक्की सिलाई से क्या करते हैं सिल देते हैं सो हमारा आंसर बनेगा कि गैदरिंग के लिए ऐसा किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डार्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर नियर विच पार्ट ऑफ द बॉडी इन वुमेन्स गारमेंट महिलाओं के परिधान में शरीर के किस हिस्से के पास अक्सर डार्ट दिखाई देते हैं बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा हम जब वुमेन क्लोथिंग की बात करते हैं महिलाओं के कपड़े की बात करते हैं तो उसमें जनरली जो डार्ट दिखाई देते हैं वो अक्सर किस हिस्से की तरफ दिखाई देते हैं वेस्ट पे बस्ट पे आम पे एंड बोथ वेस्ट एंड बस्ट सो बताओ आंसर क्या होगा तो पे देखने के लिए मिलते हैं महिलाओं के कपड़े में डार्ट जनरली महिलाओं के कपड़े में जो डार्ट बनाए जाते हैं वो किस एरिया में बनाए जाते हैं डार्ट का मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है कि जो डार्ट होते हैं वो किस चीज के लिए जरूरी होते हैं चाहे वो डार्ट हो चाहे वो टक हो चाहे वो प्लीट हो चाहे वो आप लोगों की गैदर हो यानी कि चुन्नटे हों इन हर चीज का काम क्या होता है आपके कपड़े को शेप देना है ना आपके कपड़े को प्रॉपर क्या देना फिटिंग देना और प्लस इसके अलावा ये पहला फंक्शन हो गया ये दूसरा फंक्शन हो गया और तीसरा फंक्शन क्या होता है फुलनेस प्रदान करना क्या करना है स्टूडेंट तीसरा फंक्शन होता है फुलनेस प्रदान करना क्योंकि ये तीन कार्य करते हैं कौन कौन करते हैं डार्ट पीट्स और टक्स ये तीन चीजें यूज की जाती हैं और इन तीनों के वन टू थ्री ये तीन फंक्शन होते हैं एंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कमर और छाती दोनों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है नेम द ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड ऑन गार्मेंट कंपोनेंट्स एज दे आर मेड अप बताइए जल्दी से जब परिधान घटक बनाए जाते हैं तब उन पर की जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताओ सो so, क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से सब लोग बताएंगे स्टूडेंट्स कि भाई जब हम क्या करते हैं परिधान घटक बनाते हैं तो उन पर की जाने वाली प्रक्रिया का नाम बताओ ओवर प्रेसिंग अंडर प्रेसिंग फाइनल प्रेसिंग एंड माइल्ड प्रेसिंग कौनसी वाली प्रेसिंग दी जाती है ओके हम जब कपड़े को तैयार करते हैं तो हमें उसपे कहीं ना कहीं क्या करना होता है जब वो तैयार हो चुका होता है सो हमें उसपे फिनिशिंग देनी होती है और फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करते हैं प्रेस करते हैं क्योंकि प्रेस का मतलब ही क्या होता है फिनिश करना होता है कपड़े को जब फिनिश किया जाता है सो प्रेस के माध्यम से किया जाता है ओके okay? और ये प्रेस के माध्यम से फिनिश करना जिससे कि जो प्लीट्स हैं वो स्टेबल हो जाए और जैसी है वैसे ही बनी रहे इसे किस नाम से जा जाना जाता है स्टूडेंट अंडर प्रेसिंग के नाम से जाना जाता है ओके okay. इसको हम किस नाम से जानते हैं अंडर प्रेसिंग कि जब आपका कपड़ा स्टेज लास्ट ट्रीटमेंट जो होगा हो आपका कपड़ा अब बिकने के लिए तैयार है ओके नेक्स्ट देखिए वेरियंट ज्योमेट्री ऑफ जिगजेक बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा भाई हम कह रहे हैं कि जो जिग्जेक टाका होता है वो इनमें से किसी एक का वेरिएशन है So, किसका वेरिएशन होता है जिग्सैक वाला टाका ये आपको बताना है बताइए आंसर क्या होगा अगर हम बात कर रहे हैं वाले टाके की so वो इनमें से किसका वेरिएशन होता है सो so, बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बैक स्टिच का बास्टिंग का लॉक स्टिच का एंड बेसिक हैंड स्टिच का सो so, बताइए आंसर क्या बनेगा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिग्जेक टाका है वो ज्योमेट्रिकली देखने में है ना क्या होगा स्टूडेंट ज्योमेट्रिकली देखने में वो किसका वेरिएंट हो सकता है सो so अगर आप ज्योमेट्रिकली देखोगे सो किसका वेरिएंट होगा और देखो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना उनमें जिस स्टूडेंट ने थोड़ा भी दिमाग लगा दिया तो भले ये क्वेश्चन बिल्कुल ना आते हो फिर भी सही हो जाएंगे क्योंकि लॉजिक्स पे बहुत कुछ आधारित होता है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा लॉक स्टिच क्यों आपको पता है ना लॉक स्टिच भी ऐसे ही होती है है ना इस तरीके से लगाई जाती है तो आपका जब ब्लॉक स्टिच ऐसे ही लगती है और आपका जिग्जैक वाला कैसा होता है वो भी ऐसे ही होता है है ना तो ये दोनों इसी का ही वेरिएंट होते हैं ओके तो आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं अगर जनरली किसी को नहीं भी पता पर अगर उसे ये पता है कि जिग्जैक वाला टांका कैसा है या जिग्जैक वाला जो आपका ये मान लीजिए कटिंग होती है कैसे होती है उससे काफी हद तक आइडिया लग जाता है ओके नेक्स्ट देखिएगा चेन स्टिच इज ऑल्सो नोन एज आपको बताना है कि चेन स्टिच को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है ओके okay? सो so बताओ आंसर क्या होगा आपको बताना है कि चेन स्टिच को हम किस नाम से भी जानते हैं जो अनदर नेम है चेन स्टिच का वो क्या हो सकता है सो बताइए आंसर क्या होगा चेन स्टिच का अनदर नेम क्या हो सकता है क्या होता है चेन स्टिच का अनदर नेम बताते जाओ जल्दी जल्दी एंड देखो चेन स्टिच को फ्रंट सीम के नाम से जानते नहीं है मैं आपको पहले ही बता दूं ये लॉक स्टिच होती नहीं है ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं सो अब आपका आंसर में ये दो आंसर तो कट चुके हैं और सीधा सीधा आंसर बचता है इंटर लूब्ड स्टिच क्योंकि जब आप चेन स्टिच करते हैं तो मान लीजिए ये एक फूल है है ना ये क्या है सूर्य एक फूल है हम यहाँ से सुई निकालते हैं तो सुई निकालने के बाद जो धागा है वो ऐसे करना होता है और फिर यहाँ से सुई को खींच देना होता है तो जब बनके तैयार होता है तो कुछ ऐसा डिजाइन तैयार होता है फिर हम दोबारा सुई निकालते हैं फिर लूप बनाते हैं फिर सुई को खींच देते हैं तो ये ऐसे वाले जो लूप होते हैं ना दिल के अंदर दिल बनना दिल के अंदर दिल बनना ये बनते चले जाते हैं है ना तो क्या होती है ये ये आपकी इंटर लूप्ड स्टिच भी कहलाती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीज होल्ड द अपर थ्रेड इन प्लेस एज इट्स मूव्स थ्रू द मशीन निम्नलिखित में से कौन धागे को मशीन में आगे बढ़ाने पर ऊपरी धागे को उसके साथ उसके स्थान पर बनाए रखता है सो बताइए आंसर क्या होगा है ना ऐसा कौन सा इनमें से पार्ट है मशीन का जो कि धागे को मशीन में आगे बढ़ाने पे ऊपरी धागे को उसके स्थान पर बनाए रखता है ये क्या हो सकता है तो क्या बनेगा स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का सही आंसर बताओ जल्दी से भाई डी ट्रिपल एसबी के रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है मुझे लगता है कि सितंबर में शायद कुछ लास्ट में हो जाके आपका रिजल्ट रिजल्ट आए या फिर अक्टूबर मान के चलिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता दिवाली से पहले इसका कुछ भी क्लियर होने वाला है और अभी तक कोई नई वैकेंसी डी ट्रिपल एसबी में होम साइंस की आई नहीं है है ना चलिए सो so बताइए जल्दी से दीज होल्ड द अपर थ्रेड एंड इन प्लेस इट्स मूव थ्रो द मशीन सो ये क्या हो सकता है स्टूडेंट्स ये होता है आपका थ्रेड गाइड ओके थ्रेड गाइड का ही काम होता है ना जो कि गाइड करता है कि जो धागा जा रहा है उसके साथ में जो आपका दूसरा वाला धागा होता है है ना उसे क्या करता है मूव कराने का काम करता है आगे बढ़ाने का काम करता है ओके सो so पे फीड डॉग का काम काम नहीं है ये उसका काम तो कपड़े को आगे धकेलने का होता है इस पिन क्या करता है रील को अपने अंदर पिरो के रखता है एंड टेंशन कंट्रोल का काम है कि टाके की तनाव को कंट्रोल करना तो ये तो होगा नहीं है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉट इज अ बटन होल बताओ आंसर क्या होगा जो बटन होल होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है बटन होल किसको कहते हैं ठीक है ना वो क्यों नहीं हो रही है उपासना रीजन ये है कि Uh, मेरे हस्बैंड का जॉइनिंग हो गया है ठीक है ना एंड जॉइनिंग हुआ है लखनऊ सो so मुझे शिफ्ट होना है लखनऊ एंड होपफुली फुली आज uh, मेरा शायद दिल्ली में लास्ट डे रहेगा सो so मैं आज मेरा सारा सामान पैक हो चुका है और मैं uh, मतलब वही ट्रैवलर के साथ ये सारी चीज़ें सो so मतलब मैं लखनऊ शिफ्ट होने वाली हूँ एक तारीख से सो दैट्स वाई अभी uh, मेरे हस्बैंड पिछले कुछ दिन से नहीं थे क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग वहाँ हो गई है तो मुझे अकेले मैं थोड़ा मैनेज नहीं कर पाती चीज़ों को दैट्स वाई अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है बट उसके बाद अभी एक दो तारीख के बाद से सारी चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी सो तो ये थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं थोड़ा मैनेज अकेले इंसान से हो नहीं पाता ये सारी चीज़ें है ना तो समझ सकते हो आप लोग कि अभी जब इतना सामान हो और उसे पैक करना हो एक दूसरे शहर जाना हो तो थोड़ा दिक्कत होती है तो बस वही चीजें मैनेज करने में मैं लगी पड़ी हूं है ना तो इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हैं चीजें एक दो दिन अभी आगे क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि शिफ्ट होना है आज ही जाना है सो एक दो दिन लगेंगे सेट होने में यस, ठीक है ना ओके खुशबू मुझसे मिलने आना पक्का <laughs> चलिए देखिए ध्यान से वट इज अ बटन होल सो बटन होल क्या होता है ये आपको बताना है ठीक है ना अरे आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगी मैं जॉब नहीं छोड़ रही हूँ ओके मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी बट जस्ट मैं दो तीन दिन छुट्टी पे रहूंगी क्योंकि अभी मुझे क्या करना है मुझे शिफ्टिंग आज मेरा सामान जाएगा फिर एक दो दिन में मैं जाऊंगी सो मतलब मैं यहाँ से आज ही चली जाऊंगी डेली से सो मैं वहीं से पढ़ाया करूंगी उपासना मेरा स्टूडियो सेटअप हो जाएगा वहां पर ओके सो मैं स्टूडियो वहीं लगवा लूंगी और उसके बाद मैं वहीं से आपको पढ़ाया करूंगी ठीक है यस चलिए सो ध्यान से देखिएगा व्हाट इज अ बटन होल बटन होल क्या होता है स्टूडेंट्स अ अ स्लिट मेड इन गारमेंट टू रिसीव अ बटन फॉर फास्टनिंग ये क्या कहलाता है आपका बटन होल कहलाता है ठीक है ना मैं अड्डा पे ही पढ़ाऊंगी मैं अड्डा छोड़ के नहीं जा रही हूँ बस मैं स्टूडियो लगवा लूंगी वहां पे फिर मैं आपको वहीं से पढ़ाया करूंगी एंड जब लखनऊ पहुंच जाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि फिर मैं आपको कहा मिलूंगी लखनऊ में ठीक है ना ओके सोपाल, आ, ठीक है जी ठीक है ना यस तो मैम आप भी आ रही हैं लखनऊ यस yes, मैं लखनऊ आ रही हूं मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगी एक तारीख को ओके okay, चलिए सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट ज्वाइनिंग रेलवे में हुई है ओके चलिए सो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा ए स्लिट मेड इन अ गारमेंट टू रिसीव अ बटन फॉर फास्टनिंग यानी कि कपड़े में बटन लगाने के लिए बनाया गया जो छिद्र होता है उसे किस नाम से जानते हैं बटन होल के नाम से जानते हैं ओके तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट इसको समझिएगा कि जब हम कपड़े में क्या करते हैं बटन को लगाने के लिए जिससे कि बटन रिसीव हो सके हम एक छेद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं बटन होल कहते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रेस बटन एंड टिच बटन्स आर ए आपको बताइए आंसर क्या होगा ओके 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 बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स यस डेफिनेटली सबसे मिलूंगी डोंट वरी ओके सो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा प्रेस बटन एंड टिच बटन आर ए ये क्या होते हैं बताओ जल्दी से जो प्रेस बटन होते हैं जो टिच बटन होते हैं यस उपासना डेफिनेटली जो प्रेस बटन होते हैं जो टच बटन होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं बुकरम, फास्टनर, कटिंग टूल so एंड होगा, you so होगा यहाँ पे आपको बताना है प्रेस बटन एंड टिच बटन आर ये क्या होते हैं स्टूडेंट जो प्रेस बटन होते हैं और टिच बटन होते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है ये आपके फास्टनर्स होते हैं जिनके माध्यम से कपड़े को पहनने और उतारने में हमें क्या मिलती है आसानी मिलती है ठीक है ना ये आपको यहां पे ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिस इज अ फिनिशिंग टेक्निक ऑफ फोल्डिंग द फैब्रिक अंडर एंड स्टिचिंग सो बताओ आंसर क्या होगा आपको बताना है यह सिलाई के अंदर कपड़े की परत लगाने की परिष्कृत तकनीक है यानी कि एक ऐसी परिसज्जा जिसमें हम कपड़े की क्या करते हैं परतें लगा देते हैं वो क्या कहलाती है वो आपको बताना है सो so बताओ आंसर क्या होगा बैक स्टेच, सीम स्टेच, and सीम अलाउंसेस। क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर हैम बैक स्टिच, सीम स्टिच एंड सीम अलाउंसेस ओके सो so मुझे बताइए आंसर क्या होगा स्व so अपने पहुंच जाऊं फिर आपको एड्रेस बताऊंगी ठीक है परेशान मत होइएगा चलिए सो बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या बनेगा हेम बैक स्टिच सीम स्टिच एंड सीम अलाउंसेस सो हम क्या कर रहे हैं परत लगाने की परिष्कृत तकनीक है है ना जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो कि उसे फिनिश कर सकते हो उसको प्रॉपरली क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो ये कौन सी टेक्निक होती है जहां पे आपने एक लेयर बना के उसे फिनिश कर दिया है सो so फिनिश करने वाले पे थोड़ा ध्यान देना यानी कि इस वाले शब्द पे थोड़ा ध्यान देना इसी से आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा वेरी गुड मॉर्निंग सो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हेम क्योंकि हेम क्या होती है स्टूडेंट्स तुरपन होती है और तुरपन क्या होती है एक तरीके की परिसज्जा वाला टाका होता है यानी कि ये वो टाका है जिसे कपड़े को सिलने के लिए नहीं लगाते हैं ये वो टाका है जिसे कपड़े में परिसज्जा के लिए लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फिनिशिंग वाला होता है ओके सो ये क्या होती है तुरपन होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है डलनेस बिलोंग्स टू विच एट्रीब्यूट ऑफ डिजाइन बताओ आंसर क्या होगा जो डलनेस आती है कपड़े में वो आपकी किससे संबंधित होती है जो डिजाइन में हमारे डलनेस आती है है ना वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है आंसर क्या होगा ओके okay? हम बात कर रहे हैं डलनेस बिलोंग टू विच एट्रीब्यूट ऑफ डिजाइन लाइटनेस सेचुरेशन ह्यू एंड कंट्रास्ट सो बताओ आंसर क्या होगा मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ह्यू होता है वो क्या होता है ह्यू होता है आपके कलर का प्योर नेम है ना तो जनरली हम ह्यू वर्ड यूज करते हैं ये तो रंग के नाम के लिए करते हैं है ना क्या होता है जो रंग का नाम होता है उसके लिए ह्यू वर्ड यूज किया जाता है है ना जैसे कि लाल काला पीला ये सारे क्या होते हैं नाम होते हैं तो ये तो क्या कहलाएगा ह्यू कहलाएगा कंट्रास्ट क्या होती है स्टूडेंट जब हम विपरीत रंगों का इस्तेमाल करते हैं एक साथ जैसे कि मेरे घर में मान लो एक नीले रंग की दीवार हो सो मैं उसके ऊपर क्या करूं पीले रंग की पेंटिंग लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा कंट्रास्ट कहलाएगा क्योंकि मैंने अपोजिट कलर का इस्तेमाल किया है और मुझे ये बताना है कि डलनेस बिलोंग्स करती है किस चीज से सो तो लाइटनेस क्या हो गई लाइटनेस का मतलब है हल्कापन और हल्कापन है और अलग चीज होती मेरा आंसर हो जाएगा क्योंकि हैचुरेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज कितना मिक्स हो रही है किसी दूसरे कलर में है ना तो यहां पे आपको आंसर समझ में आ जाएगा सेचुरेशन आंसर है क्योंकि लाइटनेस और डार्कनेस क्या होती है कपड़े की देखो कपड़े का हल्का होना और कपड़े का गहरा होना जो अगर हम कलर से रिलेट करें तो ये वैल्यू होती है और किसी भी चीज का ब्राइट और डल होना उसकी क्या होती है इंटेंसिटी होती है तीव्रता होती है सो so यहाँ पे आप देख सकते हो डलनेस का अपोजिट क्या होगा ब्राइटनेस और यहाँ पे आंसर जाएगा सेचुरेशन ये बिहार एस्टेट का क्वेश्चन है ओके okay, रफत फातिमा जी, सो so, देखो मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन कराया, ये ऑलरेडी आ रखा है थैंक यू स्वप्निल चलिए ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉट इज अ ड्राई क्लीन प्रोसेस बताओ आंसर क्या होगा जो ड्राई क्लीन प्रोसेस होता है वो क्या होता है सो so, बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स क्या आंसर बनेगा जो ड्राई क्लीन प्रोसेस होता है एंड मैं एक बात बताती हूँ मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मेरी क्लास को टीजीटी पीजीटी अड्डा पे भी देखते हैं जैसे कि स्तुति है बबीता है मोनी है नीरज है है ना मंजू है ये रफत है ये सब लोग मुझे टीचर्स अड्डा पे ना ज्वाइन करके टीजीटी पीजीटी अड्डा पे ज्वाइन करे हुए हैं आप एक काम किया कीजिएगा सब लोग क्या आप लोगों के कमेंट्स का कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो आप लोग मेरी क्लास को ना टीचर सड्डा पे देखा करो जो लिंक आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ ना टेली पे वो लिंक टीचर सड्डा का देती हूँ इसी वजह से कि आप सब लोग उस पर शिफ्ट हो जाओ इसकी क्लास को ना देख आप उस पर देखा करो क्योंकि इसकी क्लास बहुत जल्दी बंद होने वाली है इन द सेंस ये क्लास मैं टीचर सड्डा पे लेती हूँ और ये पैलरली दो चैनल पे एक साथ जाती है बट बहुत जल्दी हम इसको टीचर्स पे ही चलाएंगे सिर्फ टीजीटी पीजीटी पे बंद कर देंगे इसलिए मैं आपको कह रही हूं Uh, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि सारे के सारे लोग ना इस क्लास को टीचर्स पे ऐड हुआ करो जैसे कि अब कल से मान लो मैं वर्क फ्रॉम होम पे रहूंगी तीन दिन के लिए है ना तो आपकी तीनों दिन क्लास टीचर्स अड्डा पे चलेगी टीजीटी पीजीटी अड्डा पे नहीं चलेगी क्योंकि लैपटॉप से दो जगह क्लास चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है सो so, जितने लोगों ने टीजीटी पीजीटी वाले चैनल पे ज्वाइन किया हुआ है ना वो सारे लोग टीचर अड्डा पे ज्वाइन कर लो जहां पे उपासना दीपिका संध्या ये वाले लोग हैं दूसरे वाली तरफ शिफ्ट हो जाओ इस पे क्लास नहीं देखा करो ठीक है ना चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी सो so, पानी के बजाय रसायन का इस्तेमाल करके वस्त्रों को साफ करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस कहते हैं ओके okay, ये ध्यान रखिएगा इसको किस नाम से जाना जाता है ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और ये आपके क्वेश्चन का बना सही आंसर ये टैली का आपको नाम दिखने के लिए मिल रहा है जो नीचे यहां पर देखने के लिए मिल रहा है ये टैली का नेम है स्टूडेंट्स आप में से जिन बच्चों को नहीं पता कि किस चैनल पे ज्वाइन करना है वो यहाँ ज्वाइन हो जाइएगा मैं रेगुलर अपनी क्लास का लिंक शेयर करती हूँ आप उस पर क्लिक करोगे सो आप डायरेक्ट मेरी क्लास पे पहुंच जाओगे जो की टीचर सड्डा पे होती है ओके okay, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब ये आप लोगों का यूपी पीजीटी या टीजीटी का जो पेपर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने एज इट इज लगाए हैं सो बताओ आंसर क्या होगा क्वेश्चन आपके सामने है कि के खाने से कब्ज नहीं होता किस चीज को खाने से कब्ज नहीं होता बताओ जल्दी से मैम इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज इस क्लास का लिंक मैं डाल दूं एक काम कीजिए नीरज आपको रेगुलर मेरी क्लास अटेंड करनी है है ना आप यहाँ पे ऐड हो जाओ जहाँ मैंने टिक लगाया है ना टिक लगाया हुआ जो है उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ है इसको सर्च करो टेली पे यहाँ ऐड हो जाओ आपको रेगुलर मेरी हर क्लास का लिंक क्लास से पांच मिनट पहले मिल जाया करेगा ओके चलिए सो तो बताइए आंसर क्या होगा कि खाने से कब्ज नहीं होता किस चीज के खाने से कब्ज नहीं होता है रफेज जिसे क्या कहते हैं रेशे कहते हैं सो so, रेशों को खाने से क्या नहीं होता है रे, रेशों को खाने से कब्ज नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है है ना जो फाइबर होते हैं वो आपको कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं ये आपको ध्यान रखना है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपके सामने ऊतक तंतु के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है तो बताओ आंसर क्या होगा जो तंतुओं के टूटने की क्रिया है वो क्या कहलाती है मैम राखी करने तो आओगे घर यस yes, उपासना जी राखी करने के लिए ही मैं आज शाम को जा रही हूँ कल राखी है तो यस yes. परसों मैं वर्क फ्रॉम होम पे रहूंगी और कल आप लोगों की जो क्लास है वो मैं रिकॉर्ड करके जाऊंगी वो दो सेशन आप लोगों के लिए जो यूजीसी नेट के लिए भी करूंगी और इसके लिए भी करूंगी टीजीटी के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट बताऊंगी आप लोगों को इम्पोर्टेंट और एक में मैं बुक्स बताऊंगी ठीक है ना चलिए सो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा कि टिश्यू के ब्रेक डाउन होने के प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं सो so, टिश्यू के ब्रेकडाउन होने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है, okay? ये ध्यान हम क्या कहते हैं है, कैटाबॉलिज्म कहते, है? कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा आंसर आपके क्वेश्चन का कैटाबॉलिज्म होगा अब उसका रीजन समझो क्यों होगा देखो आपको पता है कि जो आपकी सिमिलर सेल होती हैं जब ये क्या हो जाती है प्लस हो जाती है तो क्या बन जाता है टिश्यू बन जाता है सो so, टिश्यू क्या हुआ टिश्यू एक तरीके की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई है ना क्या हो गई स्टूडेंट्स टिश्यू एक तरीके की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गई और जब टिश्यू टूटेगा जब एक कॉम्प्लेक्स चीज टूटेगी तो वो किसमें कन्वर्ट होगी सिंपल में कन्वर्ट होगी और जब सिंपल में कन्वर्ट होगी तो ये फिर से सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो जब कोई भी चीज सिंपल नेचर वाली हो है ना पर उसका नेचर कैसा हो कॉम्प्लेक्स हो सो एक कॉम्प्लेक्स चीज अगर सिंपल चीज में कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या कहलाती है कैटाबोलिज्म और यहीं पर अगर मैं एनाबोलिज्म की बात करूं तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है ठीक है ना ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सो so, एनाबोलिज्म में एक जो सिंपल चीज है वो कॉम्प्लेक्स में बदलती है और कैटाबोलिज्म में कॉम्प्लेक्स चीज जो होती है वो सिंपल में बदल जाती है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपके सामने बताओ आंसर क्या होगा राखी परसों है एक्चुअली कल भद्रा है कल रात को नौ बजे से राखी आ रही है सो so, मैं परसों सुबह सुबह राखी का, का काम करूंगी साढ़े सात बजे तक है राखी आई थिंक उसके बाद आपका राखी का त्योहार तो जो है वो फिर लग जाएगी शायद पड़वा जिसको कहते हैं सो so, फिर वो नहीं होगा ऐसा ही कुछ है ना ये yes, चलिए बताइए आंसर क्या होगा शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है इसे किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स बताओ जल्दी से हम अगर चीनी को लेकर आ रहे हैं हीट के कांटेक्ट में सो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जा रही है जब वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रही है सो उसे किस नाम से जाना जाता है ओके शुगर टर्न ब्राउन्स इन अ कलर वेल सब्जेक्टेड टू हीट ड्यू टू बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा जब शुगर को क्या किया जा रहा है कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है हीट के सो so ये क्या कहलाता है कैरमेलाइजेशन कहलाता है क्योंकि अगर शुगर की जगह क्या होता स्टार्च होता और स्टार्च को लिखा होता कि हम क्या कर रहे हैं स्टार्च को हम हीट के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं अगर ऐसा लिखा हुआ होता सो आंसर डेक्सटनाइजेशन हो जाता पर स्टार्च का जिगर नहीं किया गया है शुगर का जिक्र किया गया है सो so शुगर की वजह से आंसर क्या होगा होगा और ये होता कब है जब शुगर को क्या किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ड्राई हीट के साथ कुक किया जाता है यानी कि अगर मैं कहूं सो विदाउट वॉटर अगर हम शुगर को कुक कर रहे हैं तब ये आपका जो ब्राउन कलर है ये डेवलप होता है क्योंकि अगर आपने इसमें क्या किया है आपने इसमें पानी मिला दिया तो ब्राउन कलर डेवलप नहीं होगा फिर चाशनी बन आपको बताना है कि जो हम कंपैरिजन कर सके जिसको हम क्या कर सके तुलना करने के लिए उपयोग कर सके वो माप कौन सी होती है बताओ आंसर क्या होगा यस yes, मैम कल रात नौ से इकतीस को सुबह साढ़े नौ तक ही रहेगा यस yes, हाँ मैंने भी सुना है ऐसा पर साढ़े नौ तक नहीं सुना अगले दिन साढ़े नौ तक नहीं है अगले दिन तो सुबह साढ़े सात पौने आठ बजे तक है उसके बाद नहीं है, है ना यस yes, मैम बिहार स्टेट की क्लास के लिए ये यूजफुल है यस yes, रफत फातिमा ये यूजफुल है बैच भी बनने वाला है उसका जो भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं कल या परसों से बैच आपका स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा ओके okay, चलिए ध्यान से देखिएगा स्केल यूज्ड फॉर कंपैरिजन जिसको कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा सकता है वो स्तर होता है क्योंकि आप ना दो लोगों के स्तर को मेजर कर सकते हो आप क्या कर सकते हो कि अच्छा जो ए वाला व्यक्ति है उसका स्तर ऐसा है जो बी वाला व्यक्ति है उसका ऐसा है सो so, यहाँ पे इनमें आपस में कंपैरिजन हो सकता है तुलना हो सकती है so, सो स्तर की तुलना की जा सकती है जबकि वैल्यू गोल एंड एटीट्यूड की तुलना नहीं की जा सकती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु कौन सा होता है है ना सो so, बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं वो आपके किस फैब्रिक से बने हुए होते हैं किस तरह के फाइबर से बने हुए होते हैं ये आपको बताना है सो बताओ आंसर क्या होगा जो खिलाड़ियों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं उसके लिए कैसे फाइबर को यूज किया जाता है किसको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना बताओ बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा कैसे वाले कपड़े होते हैं जो खिलाड़ी पहन सकते हैं स्पेंडिक्स वाले क्योंकि स्पेंडेक्स क्या होता है एक तरीके का ये होता है एक तरीके का रबर फाइबर है ना क्या होता है स्टूडेंट्स ये होता है रबर फाइबर जिसमें क्या होता है जिसमें पाया जाता है लचीलापन है ना खिंचने की क्षमता होती है काफी फ्लेक्सिबल होता है दैट्स वाई खिलाड़ी इसको पहनते हैं क्योंकि ये बॉडी में जो आपकी मांसपेशियां हैं उन्हें होल्ड करके रखता है हम जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो ये कहा जाता है कि बॉडी लूज नहीं रहनी चाहिए टाइट रहनी चाहिए है ना चलिए इसलिए जब जिम जाते हैं या स्विमिंग करते हैं तभी भी हम थोड़े एक्टिव वियर का यूज करते हैं जो कि बॉडी को होल्ड करके रखें ढीला ना छोड़ने पे मदद करें और इजी टू वियर है इजी टू मेन्टेनेंस है ना ये भी इनकी खासियत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है ऐसा बच्चा जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसे किस नाम से जाना जाएगा यानी कि दोनों हाथों से लिख सके दोनों हाथों का उपयोग कर सके ऐसे बच्चे को आप किस नाम से जानते हो ये आपको बताना है सो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से उसे किस नाम से जानते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस के नाम से जानते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस वो बच्चे होते हैं जो कि ज्यादातर लेफ्ट हैंड ही होते हैं राइट हैंड तो उनका वर्क करता ही करता है बट लेफ्ट हैंड भी प्रॉपरली वर्क करता है है ना, ऐसे so, ऐसे वाले बच्चों को कहते हैं। लग 10 15 बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग बच्चे होते जो कि लेफ्ट हैंड बच्चा ही ऐसा है जो कि आपको लेफ्ट हैंडेड प्लस राइट हैंडेड दोनों मिलता है okay? ये आपको ध्यान रखना है पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है आपको बताना है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन सी है जो कि आपको भारत में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है और वो पोषक तत्व की कमी से संबंधित है यानी कि पोषक तत्वों की कमी से संबंधित होने वाली वो बीमारी जो कि भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो कौन सी है लोकप्रिय इन द सेंस वो बहुत ज्यादा पाई जाती है है ना अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोगों में वही देखने के लिए मिलती है बच्चों में स्पेशली है ना वो क्या होती है एनर्जी माल malnutrition यानी कि ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण एनर्जी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन ठीक है ना ये बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तेल को फोर्टिफाई किया जाता है सो so हम तेल को जो फोर्टिफाई करते हैं कैसे करते हैं ये आपको बताना है सो so, बताओ आंसर क्या होगा जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स तेल को फोर्टिफाई करते हैं तो तेल को फोर्टिफाई कैसे किया जाता है ऑयल ऑयल इज फोर्टिफाइड विद किस चीज से को फोर्टिफाई करोगे सी एंड ए सो बताओ किससे करोगे अगर हमें क्या करना है रफत जी लेफ्टी हैं ओके सो बताइए स्टूडेंट्स अगर हमें तेल को फोर्टिफाई करना है सो so, ऑब्वियस सी बात है हम वाइटमिन ए से करेंगे क्या रीजन हो सकता है वाइटमिन ए से करने का रीजन ये हो सकता है क्योंकि ये सारे के सारे जो आपके वाइटमिन हैं ये वाटर सोल्यूबल हैं और जो वाटर सोल्यूबल होगा वो तो जल में घुलनशील होगा और यहाँ पे वाइटमिन ए जो है ये फैट सोल्यूबल है इसका मतलब ये फैट में इजिली डिजोल्व हो जाएगा इसीलिए हम वाइटमिन ए का ही इस्तेमाल करेंगे ठीक है ना क्योंकि ये वसा में घुलने वाला वाइटमिन है और जो विटामिन वसा में घुल सकता है उसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा ओके नेक्स्ट देखिएगा ये चिन्ह जो होता है ना ये क्या बताता है बताओ जल्दी से अगर कपड़े में ये चिन्ह लगा हुआ है तो ये चिन्ह आपको क्या बताएगा ओके ये बताओ जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा वेरी गुड बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे लिखा है यह चिन्ह क्या बताता है यानी कि वट डज द सिंबल इंडिकेट यहाँ पे आपको बताना है कि अगर कपड़े पे सिंबल बना हुआ हो तो ये किस चीज का इंडिकेशन होता है हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सिंबल जो होता है ये कहता है ब्लीच ना करी जाए कपड़े के ऊपर यानी कि डू नॉट ब्लीच ओके ये ध्यान रखिएगा ये क्या है स्टूडेंट डू नॉट ब्लीच अगर आप समझेंगे तो जब ये वाला मार्क बना हुआ होता है ना तो ये मार्क ये बताता जाता है कि आप इस पर ब्लीच कर सकते हो एंड देन ये अगर बना हुआ है प्लस क्रॉस लगा हुआ है तो ये ये बताता है कि आप ब्लीच नहीं कर सकते हो ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक परिधान का तैयार निचला किनारा क्या कहलाता है बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा अगर हम बात कर रहे हैं परिधान के तैयार निचले किनारे की सो ये क्या कहलाता है सो बताइए आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स एक परिधान का तैयार निचला किनारा फेसिंग लाइनिंग and डार्ट. बताओ आंसर क्या होगा परिधान का जो निचला तैयार किनारा होता है वो क्या कहलाता है जो तैयार किनारा है उसे आप किस नाम से जानते हो डार्ट के नाम से लाइनिंग के नाम से फेसिंग के नाम से एंड देमिंग के नाम से सो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा सब लोग आंसर बताएंगे स्टूडेंट्स जो तैयार किनारा होता है किसी भी परिधान का जो बॉटम एजेस होते हैं क्या लिखा हुआ है बॉटम एजेस लिखा हुआ है और जब बॉटम एजेस पूछा हुआ है तो हैमिंग आंसर होगा क्योंकि एज मतलब क्या है किनारा है और जो किनारा है उसे हमने फिनिश अगर कर दिया तो यानी कि जो ऐसे ऐसे करके धागे निकले रहते हैं हमने उसे प्रॉपर फिनिश करके कपड़े को सिल दिया है बारीकी से सो तो ये हैमिंग कहलाता है है ना इसको हम किस नाम से जानते हैं हैमिंग के नाम से जानते हैं जो लाइनिंग है वो कपड़े के अंदर लगाई जाती है लास्ट में पर्दे के ऊपर नहीं लगाई जाती तो वो अंदर लगती है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का और आई थिंक पूरे हो गए आप लोगों के क्वेश्चंस तो so, आपको आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे बता दीजिएगा आप में से अगर किसी को मेरे बैचेस में एनरोल होना है जैसे कि टीचिंग की, की तैयारी के लिए जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं और बाकी एग्जाम्स होते हैं अगर उनकी तैयारी के लिए आपको क्या करना है भाई मेरे साथ पढ़ना है एनरोल होना है मेरे बैचेस में So, आप क्या कर सकते हैं आपको सर्च करना है स्टूडेंट्स गूगल पे जाके अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपको ये पहला वाला जो ऑप्शन दिखता है ना इस पर आपको क्लिक करना है जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होकर आएगा आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है और यहाँ पे जाके टीचिंग एग्जाम पे सर्च करना है जब आप टीचिंग एग्जाम पे सर्च करोगे आपके सामने ऑप्शन आएगा डी ट्रिपल एस बी का जब डी ट्रिपल एस बी पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे वाले ऑप्शंस आते हैं यहां पे आपको व्यू ऑफर पे क्लिक करना है और आपको डबल वैलिडिटी देखने के लिए मिल रही है यानी तो कि, तो कि छह महीने के लिए बैच खरीदोगे तो एक साल तक की क्लासेस पूरी पूरी देख पाओगे एक साल तक सारे के सारे लाइव बैच को अटेंड कर पाओगे और यहाँ पे आपको क्या करना है व्यू ऑफर पे क्लिक करना है कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगी देखिए डबल वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है सिक्स प्लस सिक्स वाली आपको कूपन कोड लगाना है यहाँ पे जो कि है वाई पाँच सो इकहत्तर ये कोड है आप इसे अप्लाई जब करोगे सो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड लगाया है वाई पाँच सो इकहत्तर इसके बाद आपको बाईस सौ निन्यानवे रुपए में ये बैच मिल जाएगा सो आप में से जिनको भी बिहार एस स्टेट की तैयारी करनी हो या फिर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी हो या फिर आने वाली डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी की तैयारी करनी हो सबके लिए ये फाउंडेशन बैच काम आ सकता है तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है जल्द से जल्द ले ले क्योंकि इस बैच की ऑलरेडी पांच छह क्लासेस हो चुकी है ओके सो बाय टेक केयर फिर से मिलते हैं बाय बाय